वरिष्ठ कांग्रेस नेता कौल सिंह ठाकुर ने सीएम जयराम ठाकुर और सांसद रामस्वरूप शर्मा पर तीखा हमला बोला है। ठाकुर ने सीएम जयराम ठाकुर को सबसे प्रभावहीन सीएम और रामस्वरूप शर्मा को सबसे प्रभावहीन एमपी करार दिया है। उन्होंने कहा कि जयराम की अफसरशाही पर कोई पकड़ नहीं है और प्रदेश सरकार को संघ के लोगों द्वारा चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों का हवाला देने वाली बीजेपी ये बताए कि केंद्र ने प्रदेश को क्या दिया है। आज प्रदेश सरकार ने अपने 1.5 साल के कार्यकाल में 5,000 करोड़ से अधिक का कर्ज लिया है और यदि केंद्र प्रदेश की मदद कर रहा होता तो इस कर्ज को लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वहीं कौल सिंह ने कहा कि मंडी के मौजूदा सांसद मंडी संसदीय क्षेत्र के लिए कोई भी बड़ा विकास कार्य नहीं करवा पाए हैं और अब जनता के बीच जाकर खुद को बजाय पीएम नरेंद्र मोदी के लिए वोट मांग रहे हैं, इसलिए यही बात साबित हो रही है कि उनके पास खुद के विकास कार्यों को गिनाने के लिए कुछ भी नहीं है। 19 मई को चुनाव होंगे, उसमें मंडी क्षेत्र के मतदाता कांग्रेस पार्टी के हमारे होनहार नौजवान आशय शर्मा को वोट देकर सिक्किम बनाएंगे ताकि ये हिमाचल प्रदेश की जो समस्या है उसको केंद्र में और संसद के अंदर उठाएंगे और उसको हल करवाने की कोशिश करेंगे। जहां तक श्री रामस्वरूप शर्मा का प्रश्न है, वो हर क्षेत्र में विफल रहे हैं। ही वॉज मोस्ट इनएफिशियंट, इनएक्सपीरियंस एंड मोस्ट होपलेस जो है सांसद जो है साबित हुए हैं, जिन्हें कोई भी मामला पार्लियामेंट के अंदर जो है मंडी संसदीय क्षेत्र का नहीं उठाया। चाहे उन्होंने कहा था कि मैं यहाँ घुमू जोत के नीचे टनल बनाऊंगा, जलोड़ी जोत के नीचे टनल बनाऊंगा, क्या हुआ उन टनलों का, मुझसे पूछना चाहते हैं। उन्होंने कहा था 300 करोड़ का कारखाना जो यूपी सरकार में वर्कर रंग में लगना था, उसको कहते मैं अभी करा दूंगा, उसका क्या हुआ, उसको समझ को कभी उठाया। हजारों लोगों को रोजगार दूंगा, एक आदमी को रोजगार इसमें दिलाए, 2 गांव उन्होंने गोद में लिए थे, उन गांवों के आज देखिए क्या बुरे हाल है, उसमें कोई काम नहीं किया। और जो सांसद निधि का पैसा है उसका भी रामस्वरूप शर्मा ने दुरुपयोग किया है। 5 साल में सिर्फ यहाँ ब्यास नदी के किनारे जो है वो पूजा ही करते रहे और कोई काम उन्होंने जो है नहीं किया है। ये मुझे कहना है और मुझे पूरा विश्वास है कि मंडी संसदीय क्षेत्र की जनता चाहे उस राम जी के पोते जी को, राम जो है संचार क्रांति के लिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर जाने जाते हैं, उनके पोते को वोट देकर के पार्लियामेंट के अंदर भेजेंगे और राहुल गांधी जी के हाथ में।